प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कॉमनवेल्थ अटर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सीजेआई डिवाइन चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि आप अतुल्य भारत का पूरा अनुभव लें। पीएम ने अफ्रीका से आए लोगों के लिए कहा, अफ्रीकी संघ के साथ भारत के विशेष संबंध हैं। हमें गर्व है कि अफ्रीकी संघ भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 का हिस्सा बना। I urge you all to experience incredible India to the fullest. Friends, I'm told that there are many friends from Africa here. India has a special relationship with the African Union. We are proud that the African Union became a part of the G20 during India's presidency. This will go a long way in addressing the aspirations of the people of Africa. अपने संबोधन में पीएम ने कहा, कानूनी शिक्षा को भी बदलते समय और प्रौद्योगिकियों के अनुरूप ढलने की जरूरत है। हमारा ध्यान अपराध के नवीनतम रूपों को समझने पर है। हम बड़े अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर के साथ युवा कानूनी पेशेवरों की मदद करने की जरूरत है। लीगल एजुकेशन, फ्रेंड्स, द वर्ल्ड नीड्स यंग लीगल माइंड्स हु हैव डाइवर्स एक्सपोजर। लीगल एजुकेशन आल्सो नीड्स टू अडॉप्ट to changing times and technologies. A focus on understanding the latest trends in crime, investigation and evidence will be helpful. Friend, there is a need to help young legal professionals with greater international exposure. इसके साथ ही पीएम ने ये भी कहा कि भारत वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए कानूनों का आधुनिकीकरण भी कर रहा है। अब 3 नए कानूनों ने 100 साल से अधिक पुराने औपनिवेशिक आपराधिक कानून की जगह ले ली है। इंडिया इज ऑल्सो मॉडर्नाइजिंग लॉज टू रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट रियालिटीज। नाउ द 3 न्यू लेजिस्लेशंस हैव रिप्लेस्ड मोर देन 100 ईयर ओल्ड कॉलोनियल क्रिमिनल लॉज। अर्लियर The focus was on punishment and penal aspects. Now the focus is on encouraging justice. Therefore, citizens have a sense of assurance rather than fear. वहीं सम्मेलन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों के साथ साथ एशिया प्रांत, अफ्रीका और कैरेबियन में फैले राष्ट्रमंडल देशों के अटर्नी जनरल और सॉलिसिटर शामिल हुए। वहीं सम्मेलन में कानून और न्याय से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे न्यायिक परिवर्तन और कानूनी कार्य प्रणाली के नैतिक आयाम, कार्यकारी जवाबदेही और अन्य बातों के अलावा आधुनिक कानूनी शिक्षा पर पुनः ध्यान देने के बारे में विचार विमर्श किया गया।